एकमा प्रखंड के पारसा उत्तरी पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी गणेश महतो ने संवाददाताओं को एक भेंट वार्ता में जानकारी दी कि जीत के बाद पोखरा का सौंदर्यीकरण का कार्य पूरा करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पारसा में एक कन्या उच्च विद्यालय का निर्माण का कार्य पूरा करूंगा। पारसा में पूर्व में तांबा पित्तल का बर्तन दूसरे राज्यों में जाता था। आज बंद होने के बाद यहाँ के लोग भुखमरी की कगार पर हैं। पूर्व विधायक निर्दलीय प्रत्याशी मनोज कुमार शर्मा ने भी कहा कि इस बार हम सभी लोग भावी मुखिया प्रत्याशी गणेश महतो को भारी मतों से विजयी बनाकर भेजने का कार्य करेंगे। लक्ष्मण पटेल ने भी कहा कि इस बार भारी मतों से विजयी बनाने के लिए संकल्पित हैं। भगवान यादव ने कहा कि छठ घाट पर नाले का पानी गिर रहा है। उन्होंने जिला प्रशासन से अभिलंब रोक लगाने की मांग की है। उक्त मौके पर प्रेम कुमार, राजू गुप्ता, सुनील राय, जितिन राम, मोहन पटेल, ललन शाह, वीरेंद्र सोनी इत्यादि सैकड़ों लोग उपस्थित थे। आरपी भारत के लिए बीरेश सिंह की रिपोर्ट। कुछ और भी इतिहास से परिचय कराना चाहता हूँ। परसागढ़ 1955 में इसको उद्योग नगर के नाम से भी प्रसिद्ध था, जिसमें सहकारी कासा पीतल उद्योग लिमिटेड के नाम से एक कंपनी आज भी कार्यरत है। लेकिन वो सभी आदमी यहाँ के लोग उसमें काम करते थे, मजदूरी करते थे और यहाँ से बहुत अच्छा जीवन चलता था। वो कासा पीतल तांबा से संबंधित सभी धातु के कार्य होते थे, लेकिन सरकार की कुछ अनीति के कारण मैं देख रहा हूँ कि ये सभी कार्य यहाँ से बंद हो गए और बाद में हमारे यहाँ के लोगों का पलायन दर स्टार्ट हो गया और नतीजा यह रहा कि परसागढ़ के वो सभी कारीगर जो कि झलल थे, अच्छे थे, मतलब अपना रोजी रोजगार यहाँ से चलाते थे, आज प्रवासी बनने के लिए मजबूर हो गए हैं। दूसरी बात मैं देख रहा हूँ कि यहाँ तक कि उसका मैंने ख्याति देखा उस संस्था का, तो 1955 से लेकर 65 तक ले वो कई बार प्रखंड एकमा से मतलब वो उसको एक पुरस्कार भी मिला है, उसका सर्टिफिकेट भी मैंने देखा है, लेकिन आज वो व्यवस्था समाप्त हो गया। तो परसागढ़ एक समय में कासा पीतल तांबा यानी कि बर्तन उद्योग से लेकर मतलब जितने भी धातु का था, ये सब बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र था, इसका मतलब जिला स्तर में नाम था। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि यह पहचान हमारे परसागढ़ का क्षीण हो रहा है और वो सोसाइटी भी डूब रहा है। और मैं ये भी चाहूंगा कि सरकार इस पर ध्यान दे और उस सोसाइटी को फिर जागृत करे और जो बाहर से हमारे यहाँ तांबा आता था, तांबा का लोहिया, वो पुनः फिर हमें उपलब्ध कराएं ताकि हमारे परसागढ़ में वो सभी कारोबार चले और यहाँ के लोग जो बाहर प्रवासी मजदूर बन रहे हैं वो मजदूरी अपने परसागढ़ में प्राप्त कर सकें। आज हम एक दो बात और कहना चाहते हैं। क्या मैं लक्ष्मण पटेल, ग्राम पंचायत राज परसा उत्तरी का मैं एक निवासी हूँ। मैं गणेश महतो जी के लिए संकल्पित हूँ, मैं इनको मुखिया बनाऊँगा और लोगों से निवेदन करके इनको वोट दिलवाने का मैं काम करूँगा। और ये चुनाव जब जीत जाते हैं तो इनको हम लोग कहेंगे कि जी अपने पंचायत का विकास कीजिए, फर्स्ट में आप शिक्षा के संबंध में जो बातचीत हो रही है उसके लिए आप आदा करेंगे कि ये कम से कम गर्ल्स हाई स्कूल यहाँ हो जाए। हमारे बच्चियों को परसागढ़ हाई स्कूल में जाने से बहुत बड़ा दुर्दशा है, इसलिए इनसे हम लोग निवेदन करेंगे कि आप कम से कम गर्ल्स हाई स्कूल यहाँ जरूर अवश्य बनाएंगे। दूसरी बात, स्वास्थ्य के लिए यहाँ हमारे यहाँ 6 बेड का हॉस्पिटल है, कोई यहाँ डॉक्टर नहीं आता है। एक डॉक्टर आते हैं तो मात्र बुधवार को आते हैं और आधा घंटा ठहरते हैं और यहाँ से चले जाते हैं, कोई उससे बेनिफिट हमारे पंचायत को नहीं मिलता है। और दूसरी बात ये भी कहना चाहेंगे कि हमारे परसा बाजार व्यवसायियों का ही गांव है, यहाँ सारा लोग व्यवसायी हैं, व्यवसाय करते हैं और दूर दराज से महिलाएं आती हैं मार्केट करने के लिए, लेकिन मेरे यहाँ न एक शौचालय है और न एक पेशाब खाना है। वो महिलाएं को बहुत बड़ा दुर्दशा हो जाता है परसा बाजार में आने से। और मैं इनसे एक और निवेदन करूँगा चुनाव जीतने के बाद कि आप कम से कम जितना भी हो शिक्षा के क्षेत्र में, जितना भी आंगनबाड़ी हो, जितना भी आपके यहाँ जन वितरण प्रणाली का दुकान हो, इस पर आप ईमानदारी पूर्वक तत्परता से आप काम करेंगे तो हमेशा आप विजयी होंगे और मुखिया रहेंगे। मैं ही इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को समाप्त करता हूँ। इस गांव का वो दशा हुआ है सर, जो यहाँ पर अगर साइकिल भी लेकर के कोई मार्केट में आता है तो इतना बड़ा इक्विपमेंट हो गया है, कोई लेटरिन का सुविधा नहीं है, कोई पेशाब खाना का सुविधा नहीं है,
कोई पार्किंग का हल्का फुल्का सुविधा नहीं है, और सारे लोग बाजार का इक्विपमेंट कर कर पूरे बाजार को जाम कर दिए हैं सर। और रही बात कि यहाँ पर पूर्वज हमारे तो इनार का चापाकल का पानी तो नहीं पीते थे, लेकिन सरकार ने, नीतीश सरकार ने एक पानी टंकी लगाया है करोड़ों और वो लगा करके, और पूरे गांव के रास्ते खुदवा करके पाइप लगा दिए हैं, लेकिन आज भी उस टंकी से हम लोग का पानी नहीं मिलता है, गंदा पानी ही पीते हैं सर, 20 फुट और 25 फुट का। यहाँ कोई सरकार कहती है कि हमारे बहुत बड़ा विकास हुआ, ये हुआ, लेकिन हमारे छपरा जिला में एकमा प्रखंड में परसागढ़ गांव, इतना विकसित इतना बड़ा गांव, जिस गांव में तीन तीन पंचायत है, परसा, उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी, यहाँ का विकास इतना ना चौपट है सर, इतना ना इक्विपमेंट से चाहे गंदगी से यहाँ कुछ नहीं हुआ है सर। यहाँ पर जो भी विकास के नाम पर जीरो है सर। सरकार कहती है जब हम विकास किए हैं बिहार में, कुछ नहीं किया है। यहाँ मुखिया कहता है कि हम विकास किए हैं, कुछ नहीं किया है, नाला पैखाना पेशाब खाना ना रास्ता, कुछ नहीं है सर, यहाँ यहाँ बिल्कुल जीरो है सर। इस महतो ग्राम पंचायत राजपरसा उत्तरी का भावी मुखिया प्रत्याशी हूँ, मैं प्रचंडशील हूँ, और मैं अगर चुनाव जीत कर मैं मुखिया बनता हूँ तो मैं गरीबों के हक के लिए जहाँ तक जाना पड़ेगा जाऊँगा और पूरा हक दिलवा के रहूँगा। मेरा मुख्य ये कारण है कि मैं यहाँ एम्बुलेंस की व्यवस्था करा सकूँ और अच्छा हॉस्पिटल का भी व्यवस्था करा सकूँ। शिक्षा के विषय में आपको क्या कहना है? शिक्षा का विषय में ये कहना है कि हमारे गांव में जो भी बच्चियाँ जो दूर जाना पड़ता है स्कूल में, उसके लिए मैं चाहता हूँ कि मेरे परसा पंचायत में ही परसा बाजार जो महंत जी के पोखरा के आसपास भी एक गर्ल्स स्कूल बनवाया जा सके। यह पोखरा कैसा है? मेरा ये गांव का पोखरा तो बहुत अच्छा है था, लेकिन आज बहुत लोग यहाँ मिट्टी वट्टी डाल रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं। अगर मैं चुनाव जीतता हूँ तो अपने कोई फंड से इसको सौंदर्यीकरण बनवाऊंगा। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।